नमस्कार एवरीवन। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार दिवाली जो है वो आने वाला है। वैसे तो दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, लेकिन इस साल थोड़ा सा कंफ्यूजन सभी जगह क्रिएट हो रहा है कि दिवाली हम 31 अक्टूबर को मनाएं या फिर 1 अक्टूबर को। अलग अलग ज्योतिषियों ने, अलग अलग ज्योतिषाचार्यों ने इनके अपने अलग अलग तर्क दिए हैं, तो हम वो सभी तर्कों को जानेंगे। हम जानेंगे कि कब दिवाली पूजा, लक्ष्मी पूजा का विशेष मुहूर्त रहेगा और आपको कब दिवाली मनानी है। तो ये जानने से पहले हम दिवाली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं पहले बताती हूँ मैं आपको। तो जैसा कि हम सभी में एक कथा तो प्रचलित है कि भगवान राम जो हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद में आज के दिन वापस अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में पूरी अयोध्या को दीयों से जलाया गया था, दीयों से जगमगाया गया था, दीयों से सजाया गया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम भी भगवान राम का स्वागत करने के लिए आज भी हमारे घरों को सजाते हैं, दिए जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन उसी के साथ एक तर्क यह भी उठता है कि अगर दिवाली भगवान राम के अयोध्या आने की खुशी में मनाई जाती है तो दिवाली पर लक्ष्मी पूजा क्यों करी जाती है। तो इसके पीछे की कथा ये है कि प्राचीन समय में जो दानवों का आतंक पूरे तीनों लोगों पर था, तीनों लोगों पर उन्होंने हाहाकार मचा रखा था, जो राजा इंद्र है उनका सिंहासन भी उन्होंने छीन लिया था। तो सभी देवता भगवान नारायण के पास, विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान ने कहा, समुद्र मंथन का उपाय सुझाया कि जो भी समुद्र मंथन के समय दानवों के पास सामान आएगा वो दानवों का हो जाएगा और जो देवताओं के पास आएगा वो देवताओं का हो जाएगा। तो समुद्र मंथन के समय देवताओं के हिस्से में 14 रत्न, अमृत, विष के साथ साथ भगवान माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। तो इस दिन भगवान माँ लक्ष्मी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन भगवान लक्ष्मी और भगवान नारायण की शादी भी हुई थी। तो इसीलिए इस दिन हम भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो आइए इस वीडियो से हम और क्लियर करते हैं कि दिवाली के साथ कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और उसका क्या उपाय निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दिवाली 31 अक्टूबर को मनाने के पीछे से जो ज्योतिष है उनके क्या तर्क है। तो इस दिन अमावस्या की तिथि जो है शाम 4 बजे से शुरू होगी, ये हम बता रहे हैं 31 अक्टूबर का, कि 31 अक्टूबर को जो इस दिन अमावस्या है जो शाम को 4 बजे से शुरू हो जाएगी और अगले दिन शाम को 4 बजे खत्म हो जाएगी। अमावस्या में ही संध्या काल, प्रदोष काल और रात्रि मुहूर्त रहेंगे, इसी कारण दिवाली 31 को ही दीपोत्सव मनाना जाएगा। मतलब दिवाली एक रात्रि संध्या काल के समय का त्यौहार है और संध्या काल के समय में 31 को ही दिवाली रहेगी, अमावस्या रहेगी, क्योंकि 1 नवंबर को ये 6 बजे खत्म हो जाएगी। इसलिए ज्योतिष आचार्यों का तर्क है कि दिवाली को 31 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए। इसके बाद दूसरा तर्क है कि दिवाली संध्या और रात्रि काल में मनाने वाला त्यौहार है, इन दोनों ही समय में अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को ही रहेगी। मतलब रात्रि के समय, संध्या काल के समय अमावस्या 31 अक्टूबर को ही रहेगी। इसलिए ये बेसिक है कि हमें 31 को ही दिवाली मनानी है। 30 त्यौहार तय करने वाले निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु ग्रंथ के मुताबिक जिस दिन प्रदोष काल, संध्या काल और रात्रि में अमावस्या हो तब दीपदान और लक्ष्मी पूजन शुभ रहता है। ठीक है, तो प्रदोष काल इस समय 31 को संध्या काल में आ रहा है प्रदोष काल, तो पूजा के लिए भी जो है 31 अक्टूबर ही ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है कि 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पीछे क्या तर्क है। तो कुछ ज्योतिष आचार्यों का मानना है कि अमावस्या की तिथि 1 नवंबर को शाम 6 बजे तक रहेगी। इस कारण इंदौर सहित कुछ ज्योतिषों का मानना है कि पूरे दिन अमावस्या होने में इस तारीख को लक्ष्मी पूजा होनी चाहिए। मतलब कि हिंदू धर्म में जो सूर्य उदय के समय जो तिथि रहती है वही उस दिन की तिथि मानी जाती है। तो सूर्य उदय में अमावस्या 1 नवंबर की रहेगी, इसलिए हमें दिवाली 1 नवंबर को ही मनानी चाहिए। कुछ ज्योतिषों का मानना है कि जब 2 दिन अमावस्या तिथि हो तो अगले दिन दीपावली मनानी चाहिए। कि कोई भी तिथि अगर 2 दिन हो तो सूर्य उदय मतलब कि दूसरे दिन के समय में उस त्यौहार को मनाना चाहिए। 31 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि युक्त अमावस्या रहेगी, मतलब नरक चतुर्थी वाली अमावस्या 31 को रहेगी, इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन दिवाली ना मनाकर हमें अमावस्या के दिन मतलब 1 नवंबर के दिन मनानी चाहिए। इसलिए ये लक्ष्मी पूजन के लिए उचित नहीं है।
एक नवंबर को प्रतिपदा युक्त अमावस्या दिवाली ज्यादा श्रेष्ठ रहेगी। ये तो हो गए दोनों तर्क। आइए हम देखते हैं कि कहां कहां किस किस राज्य में दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है और किस किस में 1 नवंबर को मनाई जा रही है। तो देखिए, 1 नवंबर में अयोध्या, नोएडा, रामेश्वरम, इस्कॉन टेंपल में दिवाली मनाई जाएगी 1 नवंबर को। इसी के साथ काशी, मथुरा, उज्जैन, पुणे, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद आदि शहरों में जो दिवाली है वो 31 अक्टूबर को ही मनाई जा रही है। अब हमारा मत क्या है, दिवाली 31 अक्टूबर को मनाएंगे कि एक तो पहले देख लीजिए कि जो कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को 2:53 में चालू होगी, जो कि अगले दिन 6:16 तक रहेगी। तो जो शाम का समय है, जो दिवाली पूजन का समय है, वो 31 अक्टूबर का ही शुभ है, क्योंकि 1 नवंबर को उस समय अमावस्या नहीं रहेगी, प्रतिपदा स्टार्ट हो जाएगी। इसी के बाद 1 नवंबर को अमावस्या तिथि प्रदोष और निश्चितता काल तक नहीं है। अब एक बार आप डिस्कस कर लेते हैं प्रदोष काल और निश्चितता काल क्या होता है। प्रदोष काल हर मास की त्रयोदशी को आता है, यह सूर्योदय की 2 घड़ी मतलब कि 45 मिनट्स पहले और 45 मिनट्स बाद तक रहता है ये। और निश्चितता काल एक ऐसा नक्षत्रों का संयोग है जिसमें किसी भी तरह के व्रत अनुष्ठान और पूजा करना शुभ माना जाता है, जो कि 1 नवंबर को नहीं है, जो कि है 31 अक्टूबर को। तो इस तर्क में भी हमें दिवाली 31 अक्टूबर को मनानी चाहिए। अब 1 नवंबर को आयुष्मान योग, स्वाति नक्षत्र का संयोग बन रहा है, तो जो 1 नवंबर को मना रहे हैं उनके लिए भी शुभ है, ठीक है। इसके बाद में तिथि और पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना ज्यादा, अगर कंपेयर करें तो ज्यादा शुभ 31 दिसंबर को रहेगा और मोस्टली जगहों पर 31 दिसंबर को ही मनाई जा रही है, ठीक है। दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन का समय क्या है, तो इसमें जो प्रदोष काल है वो शाम 5:36 से लेकर 8:11 तक रहेगा, जो पूजन के लिए सबसे बेहतरीन समय रहता है। प्रदोष काल क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो है शाम को 6:22 से लेकर रात को 8:15 तक। तो ये दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त है। और इससे भी ज़्यादा गर्म चाहिए तो शाम को 5:36 से लेकर शाम को 6:15 तक दिवाली पूजा का खास शुभ मुहूर्त है, जो कि टोटल आपके पास हो जाएंगे 41 मिनट्स। तो इन सब में आप दिवाली की पूजा कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली है, आप एक क्लियर हो गया है कि हमें दिवाली 31 को बनानी है, 1 को बनानी है। और इसी के साथ आप सबकी दिवाली शुभ हो, भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। धन्यवाद।